स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली का सियासी पारा हाई है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार मामले में जांच में जुटी हुई है। हमले का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है और वह इन दिनों पुलिस की रिमांड पर है। 5 दिनों की कस्टडी के दौरान पुलिस कई अहम जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस सबसे पहले इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि स्वाति मालीवाल, जो 20 सालों से केजरीवाल की सहयोगी है, उन्हें अचानक मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं दिया गया और क्यों केजरीवाल स्वाति से मिलना नहीं चाहते थे। क्योंकि अमेरिका से लौटने के बाद स्वाति मालीवाल ने जब सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करनी चाही, तब सुनीता ने भी स्वाति से मिलने को मना कर दिया था। पुलिस ने विभव से पूछताछ के लिए 50 सवाल तैयार किए हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने विभव से पूछा है कि क्या मालीवाल सीएम से मिलने के लिए हमेशा समय लेती थी। साथ में यह भी पूछा गया कि अगर घटना वाले दिन वह बिना अपॉइंटमेंट के गई थी तो कैंप ऑफिस से उनके ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई। इसी के साथ पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मालीवाल के 50 सेकंड के क्लिप का पूरा वीडियो तलाशने में जुटी है। इसके अलावा पुलिस उन नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने स्वाति मालीवाल का 51 सेकंड का वीडियो शेयर किया। वह यह पता करना चाहते हैं कि उन नेताओं को पूरा वीडियो मिला था या केवल यह छोटी क्लिप मिली थी। संभव है कि पुलिस विभव को मुंबई ले जाएगी। दरअसल विभव ने मुंबई में ही अपना फ़ोन फॉर्मेट किया था। ऐसे में पुलिस यह पता करना चाहती है कि वो कौन सी जगह थी जहां विभव ने फ़ोन फॉर्मेट किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभव जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं और जाँच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब उनसे फ़ोन का पासवर्ड मांगा गया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फेस लॉक वाला फीचर भी डिसेबल किया हुआ है। पुलिस विभव से यह भी जानना चाहती है कि FIR दर्ज होने के बाद वह कहां कहां गए। जब विभव ने सिम कार्ड से उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह लखनऊ से कुरुक्षेत्र और फिर पंजाब से मुंबई गए थे। CM आवास में उनका फ़ोन फिर एक्टिव हुआ, जिसके बाद पुलिस तुरंत उनके आवास पहुंची और गिरफ्तार कर लिया।